पेपर्स बहुत अच्छे गए, तो सारे पेपर जितने भी आपने दिए उसमें से कौन सा लगा कि हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट? हार्ड नहीं, सैंपल पेपर तो हार्ड था लेकिन हो जा रहा है, तो लाइक 70 अबव, लाइक गोल तो 75 अबव है लेकिन आ तो जाएगा ही 70 अबव तो। हार्ड था थोड़ा एंड इजी एसएसटी एंड इंग्लिश था, इजी इंग्लिश था सबसे। ऐसा एडवर्टीजमेंट से पूछा था, कोलोनियल पीरियड में एडवर्टीजमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितना बनने वाला है 10th का? लाइक चाहती तो कि 95 अबव आए, लेकिन अब क्या नाम है आपका? आदिशक्ति तारिणी। और आपका? अविका स्वाती। चलिए, पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। लेवल कैसा था, मतलब मॉडरेट? मॉडरेट। अच्छा, स्टैंडर्ड। इजी था बट लेंदी था, थोड़ा लिखना पड़ रहा। लेंदी था, एसएसटी है तो लेंदी तो रहेगा। लेंदी था, हाँ। एसएसटी में मजा आता है पढ़ने में? मजा आता है एसएसटी? मुझे मजा बहुत आता है एसएसटी पढ़ने में, बट थोड़ा लेंदी होता है, उसे रोट लर्निंग से रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गो अगेन एंड अगेन, बार बार एक कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन याद है आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया था? सारे याद है मुझे। कौन सा एक बता दो। जैसे कि एडवर्टीजमेंट से पूछा था, कोलोनियल पीरियड में एडवर्टीजमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या नीड है, तो वो सब कुछ पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया। क्या आपका क्या नाम बताया था आपने? अविका स्वाती। आपका? कनिष्का। आपका कैसा गया? अच्छा गया मेरा। पूरा एग्जाम गया, पूरा टोटल जितने भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो पेपर सब में, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक बहुत हाइप अप किया था हमने कि 10th का बोर्ड्स है तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, बट नॉर्मल जैसे अगर हमने पढ़ाई की है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आके पेपर दीजिए। एंड सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए, तो सारे पेपर जितने भी आपने दिए उसमें से कौन सा लगा कि हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट? हार्ड नहीं था, मतलब सारे हार्ड नहीं था, सारे इजी थे। एसएसटी थोड़ा लेंदी था बट ये भी इजी था। अच्छा, नेक्स्ट पेपर कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या होगा, मैथमेटिक्स में क्या लगता है? मैथमेटिक्स में फुल आएगा, बिकॉज बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तो मैथ्स होगा। कितने मार्क्स का था ये एसएसटी? 80 मार्क्स। 80 में कितना आ जाएगा? 79 आएगा। बहुत बढ़िया, मतलब सारे अटेम्प्ट किए, बढ़िया, परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सो जी। हाँ, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा था। क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का। कनिष्का। सुहानी। हाँ, पेपर आप लोग दे रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, पहली बार डर लगा था फर्स्ट एग्जाम में, इंग्लिश था लेकिन ना मतलब नॉर्मल पेपर ही है, बस डिफरेंट स्कूल है तो फिर थोड़ा पैनिक था। सेंटर कहाँ से है? क्या सेंटर कहाँ से है? DPS है। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से? मैं तो मिर्जापुर से हूँ। अच्छा, तारा संगा। चलिए, आपका क्या नाम? समृद्धि। सारे फ्रेंड हो आप लोग? हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आप रुके, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट है कि रुकने का मौका नहीं मिल रहा है। और ऑल ओवर जितने भी एग्जाम आपने दिए, जितने भी पेपर दिए, उनमें से सबसे हार्ड आपको कौन सा लगा और सबसे इजी कौन सा लगा? हार्ड था थोड़ा एंड इजी एसएसटी एंड इंग्लिश था, इजी। इजी इंग्लिश था सबसे, साइंस हार्ड था। साइंस थोड़ा हार्ड। साइंस हार्ड था। बाकी एसएसटी? एसएसटी मीडियम अच्छा गया मेरा तो। अच्छा गया। हाँ, अच्छा था, इजी था। कितना मार्क्स आने वाला है एसएसटी में? 75 अबव आ जाना चाहिए। 75 अबव, 75, 80 मार्क्स था जिसमें 75 अबव ही आएगा। इसका मतलब कि बहुत अच्छा जा रहा है ना। बाकी जो अगला एग्जाम होने वाला है मैथ का, क्या लगता है मैथ कैसा होने वाला है? मैथ्स हम लोग ने स्टैंडर्ड्स लिया है, सैंपल पेपर तो हार्ड था लेकिन हो जा रहा है, तो लाइक 70 अबव, लाइक गोल तो 75 अबव है लेकिन आ तो जाएगा ही 70 अबव। तो पेपर आप लोगों के बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जितने पढ़ाए गए थे वहीं से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एनसीईआरटी से ही सारे आ रहे हैं। लाइक हाँ हाँ, स्टैंडर्ड मैथ सब डिफरेंट है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन आर एस अग्रवाल ही मेनली है, लेकिन अब वो बेसिक मैथ्स लिए तब एनसीईआरटी बेस्ड है, अब स्टैंडर्ड्स लिए तो आर एस अग्रवाल तो इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आपने बता दिया एसएसटी में आपका 75 एवा भी आएगा, लेकिन टोटल आपका ऑल ओवर अगर देखा जाए 10th में तो कितना बनने वाला है 10th का? लाइक चाहती तो कि 95 अबव आए, लेकिन अब इतने एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखना, तो 90 अबव आ जाएगा। आपका कितना आएगा? अभी तक देखेंगे तो 90 अबव आ जाएगा। 90 अबव, 95। और आपका? अबव आ जाएगा। और आप? 90 अबव। सारे लोग मतलब 90 अबव भी है, लेकिन 95 अबव चाहती हूँ, लेकिन 90 अबव भी आ जाएगा आज, इतना तो। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।